नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सुंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोगों के पास में डायरेक्ट मिलती रहे। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये सब जो है बिया जो है पपीता का छिलका का है और ये है पपीता। इस पपीते को आप खा गए, लेकिन इसके जो छिलका है इसके गुणों के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। इस छिलके को आपको इतना सा पानी लेना है, देखिए तसली है, ज़्यादा पानी है, लेकिन इसको इतना सा पानी रखना है। और पानी रखने के बाद में आपको क्या करना है कि धीमी आंच पे थोड़ा सा आधा घंटा उबाल लेना है। और उबालने के बाद में या इसका तेल निकाल सकते हैं, तेल भी निकलता है इसमें। थोड़ा सा छोटा सा कटोरा रख दें और ऊपर से जो है तसली छोटा वाली रख दें, इस पर के जो भाप बनेगा वो अंदर गिरेगा। और वो वाला पानी जब आप लोगों को दाद, खाज, खुजली, एक जिमा है, अगर उसको सुबह शाम लगाते हैं उस पर, तो आपको जो है वो दाद, खाज, खुजली की बीमारी तुरंत मिट जाएगी। और आपको कंदा, कोहरा, बैगन सब चीज़ जो है वो खाना छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि मछली, दही, जिन लोगों के खून में इन्फेक्शन रहता है, खून खराब रहता है, खाने पे तरह तरह की बीमारी हो जाती है, दाद, खाज, खुजली हो जाती है, तो समझिए कि छोड़ दीजिए और अच्छा अच्छा भोजन कीजिए। जैसे कि जो मीट हो गया, मीट खाइएगा, खांसी का हो या मुर्गा का, तो सब जो है वो अलग की बात हो गई। आलू की सब्जी खाइएगा, सोयाबीन की सब्जी खाइएगा, खिचड़ी खाइएगा और चीज़ खाइएगा, लेकिन दो चार चीज़ ऐसे हैं जैसे कि जो बैगन हो गया, कंदा हो गया, कोहरा हो गया, बैगन हो गया, मछली हो गया, इस सब चीज़ जो है छोड़ देना पड़ेगा, तब आपकी दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा तुरंत छूट जाएगी और आपकी सेहत जो है वो अच्छा बन जाएगा। नहीं तो दाद, खाज, खुजली हो जाती है एक बार तो खून खराब हो जाता है, तो खून खराब होने के कारण बहुत सारी पैसा हम लोग जितना भी कमाते हैं वो सब बीमारी में खर्च हो जाती है। तो दोस्तों इसमें इतना गुण पाया जाता है। अब इसको हम उठा करके इसको उबालेंगे और उबाल करके इसको दवा बना करके रख देंगे, क्योंकि यही सब चीज़ जो है आयुर्वेदिक द्वारा यही सब जो है जड़ी बूटी की दवा बनता है। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें माता दुर्गा जी की कृपा से मस्त रहें, बने रहें।